हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है शेरशाह। दोस्तों, अगर आप शेरशाह मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको शेरशाह मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बताएँगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म का एक रिव्यू भी देंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शेरशाह एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्वानी जंगी फिल्म है जो विक्रम बत्रा की जिंदगी पर मबनी है, जो कारगिल जंग में एक्शन में 2021 में मारे गए थे, जिसकी हिदायतकारी विष्णु वर्धन ने अपनी हिंदी फिल्म की पहली फिल्म में की थी और इसे संदीप शिरोवा उस्तवा ने लिखा था। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और काश इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें हीरो वेश जौहर, किरण करण जौहर, अपरू माता, शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह, हिमांशु गांधी बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्रम बत्रा और इनके जुड़वा भाई विशाल के दोहरे किरदार में हैं। कियारा आडवाणी इनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के साथ हैं। मई 2019 में ऐलान किया गया कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने में शुरू हुई और जनवरी 2020 में इसको इख्तिताम कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को कोविड-19 की बम्बई अमराज की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेज़ॉन प्राइम पर इसको दिखाया गया था। शेरशाह को नाकदीन और सामीन की तरफ से यकसा मस्बत जायजे मिले। परफॉर्मेंस खास तौर पर मल्होत्रा और आडवाणी की डायरेक्शन, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस, एडिटिंग और डिविजल इन्फ्लेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तनकीदी पेजराई मिली, ताहम तहरीर को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2021 को अमेज़ॉन ने बताया कि शेरशाह हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। शेरशाह ने 19 नामजदियों के साथ 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड की क़यादत की, जिसमें बेहतरीन अदाकारा मल्होत्रा, बेहतरीन अदाकार आडवाणी शामिल हैं, बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकारा विष्णु वर्धन, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर तनशिक बान बगीची, बी पराग समेत 7 अवार्ड जीते। जावेद मोहसिन और विक्रम बेहतरीन मर्द प्लेबैक सिंगर और बेहतरीन खातून प्लेबैक सिंगर रतन नबियान के लिए सामने आई। 59वें नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म ने खसूसी जोरी अवार्ड फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जौहर जीता था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको इंतजार होता है वो होता है जी फिल्म की स्टोरी। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए फिल्म की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, फिल्म में आप देखेंगे कि विशाल बत्रा अपने भाई विक्रम पर अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए डेड टॉक पेश कर रहे हैं। नौजवान विक्रम क्रिकेट खेल रहा है जब वो एक गेंद पर बड़े नौ उम्र बच्चों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है। इस नडर फितरत को जहर करता है जिसके लिए वो बाद में मशहूर हुए। विक्रम टीवी सीरीज पर वीर चक्कर देकर हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसकी फौज में शमूलियत की ख्वाहिश शिद्दत से बढ़ती जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम अपने बड़े मजमून के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी बहरिया हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते थे। इसे मर्चेंटला नेवी के लिए मुंतखब किया गया, जिसने इसकी गर्लफ्रेंड टिप्पल को खुश कर दिया, लेकिन इसके करियर के बारे में उलझनों का शिकार था। विक्रम और डिंपल शादी करना चाहते थे, ताहम डिंपल के वालिद ने विक्रम को कबूल करने से इनकार दिया।
इनकार कर दिया क्योंकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ जातों से है। इस दौरान विक्रम को एहसास हुआ कि वो मर्चला नेवी के लिए नहीं कमांडर डिफेंस सर्विस को तोड़ और हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। CDS बल्कि आर्मी के लिए है। इसने अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद विक्रम को जम्मू व कश्मीर रेफरेंस की लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था। वो अपने मर्दों और मकामी लोगों दोनों के साथ लेफ्टिनेंट संजू जेमी जम्वाल से इनकार करता, सी ओ खुशगवार तालुकात इस्तवर करता है और इंसदाद बगावत की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पर वो अपने लेकिन मुजरमों को बेअसर कर देता है और जमी को की जान बचाता है। जमी अपने नुक्ता नज़र की सरजनिश करता है लेकिन बाद में इसके करीब हो जाता है। डेल्टा कंपनी, जिसमें विक्रम भी बतौर लेफ्टिनेंट एक हिस्सा है, एक बागी ग्रुप के मुर्गी को पकड़ती है। जवाबी कार्रवाई में लीडर हैदर डेल्टा कंपनी पर घात लगाकर इन हथियारों के जखीरे की इंटेलिजेंस को लालच देकर हमला करता है। हलाक होने वालों में विक्रम का दोस्त नाइब सदर बेदार भंसी लाल भी शामिल है। सदमे से दो चार और इंतकामी वो हैदर का सुराग लगाता है और यूनिट के सी ओ लेफ्टिनेंट कर्नल वाही के जोशी से ऑपरेशन के लिए इजाज़त लेता है। विक्रम की क्यादत में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा जिससे वो हलाक हो गया। इसके बाद वो छुट्टी पर जाने की तैयारी करता है क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि कारगिल जंग करीब है। मई 1999 में रावलपिंडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जारहाना इकदाम शुरू किया और कारगिल पर कब्जा करने के लिए फौज भेजी। जैसे ही मुमकिन जंग के बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं, विक्रम ने अपनी छुट्टियां कम करने और वापसी का फैसला किया। वो अपने दोस्त सनी से वादा करता है कि मैं या तो फतह में हिंदुस्तानी झंडा उठाकर वापस आऊँगा या इसमें लिपेट कर वापस आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। इस यूनिट को देगर रेजिमेंटों के साथ एक रेजर्व फोर्स के तौर पर खंबरी आर्मी 20 मुंतकिल किया जाता है ताकि वो मुफाकत और तैयारी कर सकें। ये अड्डा तोप खाने से RIF JAK गोलाबारी की जद में आता है, जिसके नतीजे में विक्रम के सीनियर मेजर अजय सिंह जेसर वतिया समेत मुतद्दिद हलाकतें हुई। जंग के 3 हफ्ते बाद 13 से निजात दिलाने के लिए एक्टिव ड्यूटी पर मुंतकिल किया गया और 17,000 फुट पर पॉइंट 5,140 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया। दूसरी राजपूताना रेफरेंस विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बगैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बग़ैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट पर दोबारा कब्जा करते हैं, फौज और अवाम में तारीफ हासिल करते हैं। जंग के दौरान विक्रम को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। 5,140 को पॉइंट 4,875 पर कब्जा करने का काम सौंपा है जो कौमी शहरा एक को देखता है और अलामती तौर पर जंग का JAK RIF इन की शानदार फतह के बाद आर्मी कमांडर ने 13 खात्मा कर दिया गया। वो अगले दिन पॉइंट
4875 पर हमला शुरू करते हैं, लेकिन कच्चे इलाके और दुश्मन के मुतअद्दिद बिनगरों की वजह से भारी जानी नुकसान उठाते हैं। आखिरकार वो एक इन चार बिनगरों को तबाह कर देते हैं जिनसे वो वाकिफ हैं। पांचवें छुपे हुए बनकर से बेखबर वो भारी आग लगाते हैं। विक्रम ने राइफल इस्तेमाल करने का काम सौंपा, ताहम एक स्नाइपर इसे गोली चलाने से पहले ही मारता है। विक्रम इसे बचाने के लिए खुले RPG-7 में यशपाल को बनकर पर पाकिस्तानी दोनों गोलों से मुतअद्दिद दरबार निशाना बनाया जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो सूबेदार AK-47 मैदान में दौड़ता है और ऐसा कामयाबी से गिरता है, लेकिन इसे स्नाइपर और रघुनाथ सिंह को आखिरी बनकर पर कमांड और चार्ज संभालते हुए देखता है। हिंदुस्तानी फौज को कौमी परचम बुलंद करते देख कर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पॉइंट 4875 पर इनके अमाल के लिए इन्हें बाद अज़मर्ग पर वीर चक्र से नवाजा गया है। इख्तिताम पालमपुर का नगरा में इसके जनाजे और एक परेशान डंपल को दिखाता है। असली विक्रम को भी क्रेडिट्स में दिखाया गया है। इस मूवी की जो कास्ट है उसकी अगर हम कास्ट में बात करें कि इसमें कौन क्या किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएगा, तो दोस्तों इस मूवी में आपको सरदार मल्होत्रा डबल रोल में लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम भत्रा उर्फ विक्की इनके शेरशाह के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्ण टोडीचा छोटे विक्रम भत्रा विक्की विशाल भत्रा विशेष के जुड़वा बड़े भाइयों के तौर पर विशाल भत्रा उर्फ वशी के रोल में नजर आएंगे। कावे टोटीजा छोटे विशाल भत्रा वशी विक्रम भत्रा विक्की जोड़वा भाई के तौर पर कियारा आडवाणी बतौर डंपल चीमा विक्की की गर्लफ्रेंड और मंगेतर के रोल में शू पिंटत बतौर लेफ्टिनेंट संजीव जमी जमवाल सिंगरम विक्की के साथी और बाद में दोस्त नगतीन धीर बतौर मेजर अजय जैसी सिंह जसर विक्की के साथ अनिल चंजीत बतौर नायब सूबेदार बंसी लाल शर्मा विक्की के करीबी दोस्त जेक आरिफ के CO जोशी के वाई के टल्टीन शताफ फिगार बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार CO उभरिय सिंह बतौर मेजर सबरत सबू मगरची विक्की के साथ और डेल्टा कंपनी के साहिल वेद बतौर इमियत सिनी सूद विक्की की बेहतरीन दोस्त मनमियत कौर मोना सिंह के तौर पर डंपल की बेहतरीन दोस्त राज अर्जन बतौर सूबेदार अर्गुनाथ सिंह डेल्टा कंपनी में पेलाडून कमांडर परनाय सिंह चिचोरी बतौर राइफल मैन मोहर सिंह पून चोपड़ा बतौर गर्दारी लाल जी एल भत्रा विक्की और विशाल के वालिद मीर सरवर बतौर हैदर एक पाकिस्तानी दहशतगर अजवाल गोरहा बतौर पाकिस्तानी सिपाही विजय जे आंत बतौर मिस्टर चीमा डंपल के वालिद एडजस्टमेंट जेक रिफ हमारा निश्वा अपने मल्होत्रा कप्तान निजू कपूर राकेश दो बे बतौर मेजर विजय भास्कर अनकोर शर्मा बतौर मेजर वकास दोहरा जे कार्तिक बतौर लेफ्टिनेंट नवीन और विजय मेनू कमल का कांता भत्रा विक्की और विशाल की मां के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशुवर्धन और इसको राइट जिसने किया है उनका नाम है संदीप और प्रोड्यूस्ड बाय हीरो याश जौहर इसके साथ करण जौहर उसके साथ अपरूवा मीठा और इसके साथ शबीर बॉक्सवाला अजय शाह इसके साथ हिमांशु
गांधी स्टेरिंग जो है ना, इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, और इसके साथ कायरा आडवाणी है, सिनेमोग्राफी जिसने की है उनका नाम है कमालजीत नेगी, एडिट बाई श्रीकर प्रसाद, म्यूजिक बाई जोहन, और इसके साथ सॉन्ग जो है ना दिनेश बागची की हैं, और इसके साथ पी प्रैग के हैं, इसके साथ जैसलीन रोहल की तरफ से हैं, इसके साथ जवेद मोहसिन की हैं, विक्रम मंटोरोसी हैं, प्रोडक्शन कंपनी ड्रामा प्रोडक्शंस और काश इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय अमेजोन प्राइम वीडियो, इसके साथ रिलीज डेट 12 अगस्त 2021, रनिंग टाइम 135 मिनट का है, इसके साथ कंट्री इसकी इंडिया है, और जिस जबान में इस मूवी को शूट किया गया वो जबान है जी इंडिया। शेरशाह एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्वानी जंगी फिल्म है जो विक्रम बत्रा की जिंदगी पर मबनी है, जो कारगिल जंग में एक्शन में 2021 में मारे गए थे, जिसकी हिदायतकारी विष्णु वर्धन ने अपनी हिंदी फिल्म की पहली फिल्म में की थी, और इसे संदीप शिरोवा उस्तवा ने लिखा था। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और काश इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें हीरो वेश जौहर, किरण करण जौहर, अपरू माता, शबीर बॉक्सवाला, अच्छे शाह, हिमांशु गांधी बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्रम बत्रा और इनके जुड़वा भाई विशाल के दोहरे किरदार में हैं। कियारा आडवाणी इनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के साथ हैं। मई 2019 में ऐलान किया गया कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने में शुरू हुई और जनवरी 2020 में इसको इख्ताम कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को कोविड 19 की बम्बई अमराज की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेजोन प्राइम पर इसको दिखाया गया था। शीर्षक को नाकदीन और सामीन की तरफ से यकसा मस्बत जायजे मिले। परफॉर्मेंस खास तौर पर मल्होत्रा और आडवाणी की डायरेक्शन, म्यूजिक, सिनेमोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस, एडिटिंग और डिविजल इन्फ्लेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तनकीदी पेजराई मिली। ताहम तहरीर को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2021 को अमेजोन ने बताया कि शेरशाह हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। शेरशाह ने 19 नामजदियों के साथ 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड की क़यादत की, जिसमें बेहतरीन अदाकारा मल्होत्रा, बेहतरीन अदाकारा आडवाणी शामिल है, बेहतरीन फिल्म बेहतरीन हिदायतकारा विष्णु वर्धन, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर तनशिक बान बगीची, बी पराग समेत 7 अवार्ड जीते। जवेद मोहसिन और विक्रम बेहतरीन मर्द प्लेबैक सिंगर और बेहतरीन खतून प्लेबैक सिंगर रतन नबियान के लिए सामने आई। 59वें नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म ने खसूसी जोरी अवार्ड फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जौहर जीता था। दोस्तों सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको इंतजार होता है वो होता है जी फिल्म की स्टोरी। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए फिल्म की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों फिल्म में आप देखेंगे कि विशाल भत्रा अपने भाई विक्रम पर अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए डेड टॉक पेश कर रहे हैं। नौजवान विक्रम क्रिकेट खेल रहा है जब वो एक गेंद पर बड़े नौ उम्र बच्चों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है। इस नडर फितरत को जहर करता है जिसके लिए वो बाद में मशहूर हुए। विक्रम टीवी सीरीज पर वीर चक्कर देकर हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसकी फौज में शमूलियत की ख्वाहिश शिद्दत से बढ़ती जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम अपने बड़े मजमून के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे।
हिंदुस्तानी बहरिया हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते थे। इसे मर्चेंटला नेवी के लिए मुंतखब किया गया, जिसने इसकी गर्लफ्रेंड टिप्पल को खुश कर दिया, लेकिन इसके कैरियर के बारे में उलझनों का शिकार था। विक्रम और डंपल शादी करना चाहते थे, तहम डंपल के वालिद ने विक्रम को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ जातों से है। इस दौरान विक्रम को एहसास हुआ कि वो मर्चेंटला नेवी के लिए नहीं कमांडर डिफेंस सर्विस को तोड़ और हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। CDS बल्कि आर्मी के लिए है। इसने अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद विक्रम को जम्मू व कश्मीर रेफरेंस की लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था। वो अपने मर्दों और मकामी लोगों दोनों के साथ लेफ्टिनेंट संजू जेमी जम्वाल से इनकार करता, सी ओ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवर करता है और इंसदादे बगावत की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पर वो अपने लेकिन मुजरमों को बेअसर कर देता है और जमी को की जान बचाता है। जमी अपने नुक्ता नज़र की सरजनिश करता है लेकिन बाद में इसके करीब हो जाता है। डेल्टा कंपनी, जिसमें विक्रम भी बतौर लेफ्टिनेंट एक हिस्सा है, एक बागी ग्रुप के मुर्गी को पकड़ती है। जवाबी कार्रवाई में लीडर हैदर डेल्टा कंपनी पर घात लगाकर इन्हें हथियारों के जखीरे की इंटेलिजेंस को लालच देकर हमला करता है। हलाक होने वालों में विक्रम का दोस्त नाइब सदर बेदार भंसी लाल भी शामिल है। सदमे से दो चार और इंतकामी वो हैदर का सुराग लगाता है और यूनिट के सी ओ लेफ्टिनेंट कर्नल वाही के जोशी से ऑपरेशन के लिए इजाज़त लेता है। विक्रम की क्यादत में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा, जिससे वो हलाक हो गया। इसके बाद वो छुट्टी पर जाने की तैयारी करता है क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि कारगिल जंग करीब है। मई 1999 में रावलपिंडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जारहाना इकदाम शुरू किया और कारगिल पर कब्जा करने के लिए फौज भेजी। जैसे ही मुमकिन जंग के बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं, विक्रम ने अपनी छुट्टियां कम करने और वापसी का फैसला किया। वो अपने दोस्त सनी से वादा करता है कि मैं या तो फतह में हिंदुस्तानी झंडा उठाकर वापस आऊँगा या इसमें लिपेट कर वापस आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। इस यूनिट को देगर रेजिमेंटों के साथ एक रेजर्व फोर्स के तौर पर खंबरी आर्मी 20 मुंतकिल किया जाता है ताकि वो मुफाकत और तैयारी कर सकें। यह अड्डा तोप खाने से RIF JAK गोलाबारी की जद में आता है, जिसके नतीजे में विक्रम के सीनियर मेजर अजय सिंह जेसर वतिया समेत मुतद्दिद हलाकतें हुई। जंग के 3 हफ्ते बाद 13 से निजात दिलाने के लिए एक्टिव ड्यूटी पर मुंतकिल किया गया और 17,000 फुट पर पॉइंट 5,140 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया। दूसरी राजपूताना रेफरेंस विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतेह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बगैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतेह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बग़ैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट पर दोबारा कब्जा करते हैं, फौज और अवाम में तारीफ हासिल करते हैं। जंग के दौरान विक्रम को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। 5,140 को पॉइंट
4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा है। जो कौमी शहरा एक को देखता है और अलामती तौर पर जंग का JAKRIF इनकी शानदार फतह के बाद आर्मी कमांडर ने 13 खात्मा कर दिया गया। वो अगले दिन पॉइंट 4875 पर हमला शुरू करते हैं, लेकिन कच्चे इलाके और दुश्मन के मुतअद्दिद बिनगरों की वजह से भारी जानी नुकसान उठाते हैं। आखिरकार वो एक इन चार बिनगरों को तबाह कर देते हैं जिनसे वो वाकिफ हैं। पांचवें छुपे हुए बिनगर से बेखबर वो भारी आग लगाते हैं। विक्रम ने राइफल इस्तेमाल करने का काम सौंपा, ताहम एक स्नाइपर इसे गोली चलाने से पहले ही मारता है। विक्रम इसे बचाने के लिए खुले RPG-7 में यशपाल को बनकर पर पाकिस्तानी दोनों गोलों से मुतद्दिद दरबार निशाना बनाया जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो सूबेदार AK-47 मैदान में दौड़ता है और ऐसा कामयाबी से गिरता है, लेकिन इसे स्नाइपर और रघुनाथ सिंह को आखिरी बनकर पर कमांड और चार्ज संभालते हुए देखता है। हिंदुस्तानी फौज को कौमी परचम बुलंद करते देखकर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पॉइंट 4875 पर इनके अमाल के लिए इन्हें बाद अज़मर्ग पर वीर चक्र से नवाजा गया है। इख्तिताम पालमपुर का नगरा में इसके जनाजे और एक परेशान डंपल को दिखाता है। असली विक्रम को भी क्रेडिट्स में दिखाया गया है। इस मूवी की जो कास्ट है उसकी अगर हम कास्ट में बात करें कि इसमें कौन क्या किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएगा, तो दोस्तों इस मूवी में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा डबल रोल में, लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम भत्रा उर्फ विक्की इनके शेरशाह के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्ण टुडीचा छोटे विक्रम भत्रा विक्की विशाल भत्रा विशेष के जुड़वा बड़े भाइयों के तौर पर विशाल भत्रा उर्फ वशी के रोल में नजर आएंगे। कावे टुडीचा छोटे विशाल भत्रा वशी विक्रम भत्रा विक्की जुड़वा भाई के तौर पर कियारा अडवाणी बतौर डंपल चीमा विक्की की गर्लफ्रेंड और मंगेतर के रोल में। शू पिंटत बतौर लेफ्टिनेंट संजीव जमी जमवाल सिंगरम विक्की के साथी और बाद में दोस्त। नगतीन धीर बतौर मेजर अजय जैसी सिंह जसर विक्की के साथ। अनिल चंजीत बतौर नायब सूबेदार वंशी लाल शर्मा विक्की के करीबी दोस्त। जेक आरिफ के CO जोशी के वाई के 13 शताफ फिगार बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल युगेश कुमार CO उभरिय सिंह बतौर मेजर सबरत सबू मगरची विक्की के साथ और डेल्टा कंपनी के साहिल वेद बतौर इमियत सिनी सूद विक्की की बेहतरीन दोस्त। मनमियत कौर मोना सिंह के तौर पर डंपल की बेहतरीन दोस्त। राज अर्जन बतौर सूबेदार अर्गुनाथ सिंह डेल्टा कंपनी में पेलाडून कमांडर परनाय सिंह चिचोरी बतौर राइफल मैन मोहर सिंह पून चोपड़ा बतौर गर्दारी लाल जी एल भत्रा विक्की और विशाल के वालिद मीर सरवर बतौर हैदर एक पाकिस्तानी दहशतगर्द अजवाल गोरहा बतौर पाकिस्तानी सिपाही विजय जे आंत बतौर मिस्टर चीमा डंपल के वालिद एडजस्टमेंट जेक रिफ हमारा निश्वा अपने मल्होत्रा कप्तान निजू कपूर राकेश दो बे बतौर मेजर विजय भास्कर अनकोर शर्मा बतौर मेजर वक्स वकास दोहरा जे कार्तिक बतौर लेफ्टिनेंट नवीन और विजय मेनू कमल का कांता भत्रा विक्की और विशाल की मां के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने
डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशुवर्धन, और इसको राइट जिसने किया है उनका नाम है संदीप, और प्रोड्यूस्ड बाय हीरो याश जौहर, इसके साथ करण जौहर, और इसके साथ अपूर्वा मीठा, और इसके साथ शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह, इसके साथ हिमांशु गांधी, स्टेरिंग जो है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, और इसके साथ कायरा अडवाणी है, सिनेमोग्राफी जिसने की है उनका नाम है कमालजीत नेगी, एडिट बाई श्रीकर प्रसाद, म्यूजिक बाई जोहन, और इसके साथ सॉन्ग जो है ना दिनेश भागची की हैं, और इसके साथ पी प्रैग के हैं, इसके साथ जैसलीन रोहल की तरफ से हैं, इसके साथ जवेद मोहसिन की हैं, विक्रम मंटोरोसी हैं, प्रोडक्शन कंपनी ड्रामा प्रोडक्शंस, और काश इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय अमेजोन प्राइम वीडियो, इसके साथ रिलीज डेट 12 अगस्त 2021, रनिंग टाइम 135 मिनट का है, इसके साथ कंट्री इसकी इंडिया है, और जिस जबान में इस मूवी को शूट किया गया वो जबान है जी इंडिया। शेरशाह एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्वानी जंगी फिल्म है जो विक्रम बत्रा की जिंदगी पर मबनी है, जो कारगिल जंग में एक्शन में 2021 में मारे गए थे, जिसकी हिदायतकारी विष्णु वर्धन ने अपनी हिंदी फिल्म की पहली फिल्म में की थी, और इसे संदीप शिरोवा उस्तवा ने लिखा था। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और काश इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें हीरो वेश जौहर, किरण करण जौहर, अपरू माता, शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह, हिमांशु गांधी बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्रम बत्रा और इनके जुड़वा भाई विशाल के दोहरे किरदार में हैं। कियारा अडवाणी इनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के साथ हैं। मई 2019 में ऐलान किया गया कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने में शुरू हुई और जनवरी 2020 में इसको इख्ताम कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को कोविड-19 की बम्बई अमराज की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेज़ॉन प्राइम पर इसको दिखाया गया था। शीर्षक को नाकदीन और सामीन की तरफ से यकसा मस्बत जायजे मिले। परफॉर्मेंस खास तौर पर मल्होत्रा और अडवाणी की डायरेक्शन, म्यूजिक, सिनेमोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस, एडिटिंग और डिविजल इन्फ्लेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तनकीदी पेजराई मिली। ताहम तहरीर को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2021 को अमेज़ॉन ने बताया कि शेरशाह हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। शेरशाह ने 19 नामजदियों के साथ 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड की क़यादत की, जिसमें बेहतरीन अदाकारा मल्होत्रा, बेहतरीन अदाकार आडवाणी शामिल हैं, बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकारा विष्णु वर्धन, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर तनशिक बगीची, बी पराग समेत 7 अवार्ड जीते। जवेद मोहसिन और विक्रम बेहतरीन मर्द प्लेबैक सिंगर और बेहतरीन खतून प्लेबैक सिंगर रतन नबियान के लिए सामने आई। 59वें नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म ने खसूसी जोरी अवार्ड फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जौहर जीता था। दोस्तों सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको इंतज़ार होता है वो होता है जी फिल्म की स्टोरी। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए फिल्म की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों फिल्म में आप देखेंगे कि विशाल भत्रा अपने भाई विक्रम पर अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए डेड टॉक पेश कर रहे हैं। नौजवान विक्रम क्रिकेट खेल रहा है जब वो एक गेंद पर बड़े नौ उम्र बच्चों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है।
इस नडर फितरत को जहर करता है जिसके लिए वो बाद में मशहूर हुए। विक्रम टीवी सीरीज पर वीर चक्कर देकर हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसकी फौज में शमूलियत की ख्वाहिश शिद्दत से बढ़ती जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम अपने बड़े मजमून के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी बहरिया हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते थे। इसे मर्चेंटला नेवी के लिए मुंतखब किया गया जिसने इसकी गर्लफ्रेंड टिप्पल को खुश कर दिया, लेकिन इसके कैरियर के बारे में उलझनों का शिकार था। विक्रम और डिंपल शादी करना चाहते थे, तहम डिंपल के वालिद ने विक्रम को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ जातों से है। इस दौरान विक्रम को एहसास हुआ कि वो मर्चेंटला नेवी के लिए नहीं कमांडर डिफेंस सर्विस को तोड़ और हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। CDS बल्कि आर्मी के लिए है। इसने अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद विक्रम को जम्मू व कश्मीर रेफरेंस की लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था। वो अपने मर्दों और मकामी लोगों दोनों के साथ लेफ्टिनेंट संजू जेमी जम्वाल से इनकार करता सी ओ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करता है और इंसदाद बगावत की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पर वो अपने लेकिन मुजरमों को बेअसर कर देता है और जमी को की जान बचाता है। जमी अपने नुक्ता नज़र की सरजनिश करता है लेकिन बाद में इसके करीब हो जाता है। डेल्टा कंपनी जिसमें विक्रम भी बतौर लेफ्टिनेंट एक हिस्सा है एक बागी ग्रुप के मुर्गी को पकड़ती है। जवाबी कार्रवाई में लीडर हैदर डेल्टा कंपनी पर घात लगाकर इन हथियारों के जखीरे की इंटेलिजेंस को लालच देकर हमला करता है। हलाक होने वालों में विक्रम का दोस्त नाइब सदर बेदार भंसी लाल भी शामिल है। सदमे से दो चार और इंतकामी वो हैदर का सुराग लगाता है और यूनिट के सी ओ लेफ्टिनेंट कर्नल वाही के जोशी से ऑपरेशन के लिए इजाज़त लेता है। विक्रम की क्यादत में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा जिससे वो हलाक हो गया। इसके बाद वो छुट्टी पर जाने की तैयारी करता है क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि कारगिल जंग करीब है। मई 1999 में रावलपिंडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जारहाना इकदाम शुरू किया और कारगिल पर कब्जा करने के लिए फौज भेजी। जैसे ही मुमकिन जंग के बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं विक्रम ने अपनी छुट्टियां कम करने और वापसी का फैसला किया। वो अपने दोस्त सनी से वादा करता है कि मैं या तो फतह में हिंदुस्तानी झंडा उठाकर वापस आऊँगा या इसमें लिपेट कर वापस आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। इस यूनिट को देगर रेजिमेंटों के साथ एक रेजर्व फोर्स के तौर पर खंबरी आर्मी 20 मुंतकिल किया जाता है ताकि वो मुफाकत और तैयारी कर सकें। यह अड्डा तोप खाने से RIF JAK गोलाबारी की जद में आता है जिसके नतीजे में विक्रम के सीनियर मेजर अजय सिंह जेसर वतिया समेत मुतद्दिद हलाकतें हुई। जंग के 3 हफ्ते बाद 13 से निजात दिलाने के लिए एक्टिव ड्यूटी पर मुंतकिल किया गया और 17,000 फुट पर पॉइंट 5,140 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया। दूसरी राजपूताना रेफरेंस विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बगैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए
कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बग़ैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट पर दोबारा कब्जा करते हैं। फौज और अवाम में तारीफ हासिल करते हैं। जंग के दौरान विक्रम को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। 5140 को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा है, जो कौमी शहरा एक को देखता है और अलामती तौर पर जंग का JAKRIF इन की शानदार फतह के बाद आर्मी कमांडर ने 13 खात्मा कर दिया गया। वो अगले दिन पॉइंट 4875 पर हमला शुरू करते हैं, लेकिन कच्चे इलाके और दुश्मन के मुतअद्दिद बिनगरों की वजह से भारी जानी नुकसान उठाते हैं। आखिरकार वो इन चार बिनगरों को तबाह कर देते हैं जिनसे वो वाकिफ हैं। पांचवें छुपे हुए बिनगर से बेखबर वो भारी आग लगाते हैं। विक्रम ने राइफल इस्तेमाल करने का काम सौंपा, ताहम एक स्नाइपर इसे गोली चलाने से पहले ही मारता है। विक्रम इसे बचाने के लिए खुले RPG-7 में यशपाल को बनकर पर पाकिस्तानी दोनों गोलों से मुतद्दिद दरबार निशाना बनाया जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो सूबेदार AK-47 मैदान में दौड़ता है और ऐसा कामयाबी से गिरता है, लेकिन इसे स्नाइपर और रघुनाथ सिंह को आखिरी बनगर पर कमांड और चार्ज संभालते हुए देखता है। हिंदुस्तानी फौज को कौमी परचम बुलंद करते देखकर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पॉइंट 4875 पर इनके अमाल के लिए इन्हें बाद अज़मर्ग पर वीर चक्र से नवाजा गया है। इख्तिताम पालमपुर का नगरा में इसके जनाजे और एक परेशान डंपल को दिखाता है। असली विक्रम को भी क्रेडिट्स में दिखाया गया है। इस मूवी की जो कास्ट है उसकी अगर हम कास्ट में बात करें कि इसमें कौन क्या किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएगा, तो दोस्तों इस मूवी में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा डबल रोल में, लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम भत्रा उर्फ विक्की इनके शेरशाह के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्ण टोडीचा छोटे विक्रम भत्रा विक्की विशाल भत्रा विशेष के जुड़वा बड़े भाइयों के तौर पर विशाल भत्रा उर्फ वशी के रोल में नजर आएंगे। कावे टोटीजा छोटे विशाल भत्रा वशी विक्रम भत्रा विक्की जुड़वा भाई के तौर पर कियारा अडवाणी बतौर डंपल चीमा विक्की की गर्लफ्रेंड और मंगेतर के रोल में। शू पिंडत बतौर लेफ्टिनेंट संजीव जमी जमवाल सिंगरम विक्की के साथी और बाद में दोस्त। नगतीन धीर बतौर मेजर अजय जैसी सिंह जसर विक्की के साथ। अनिल चंजीत बतौर नायब सूबेदार वंशी लाल शर्मा विक्की के करीबी दोस्त। जेक आरिफ के CO जोशी के वाई के 13 शुताफ फिगार बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल युगेश कुमार CO उभरिय सिंह बतौर मेजर सबरत सबू मगरची विक्की के साथ और डेल्टा कंपनी के साहिल वेद बतौर इमियत सिनी सूद विक्की की बेहतरीन दोस्त। मनमियत कौर मोना सिंह के तौर पर डंपल की बेहतरीन दोस्त। राज अर्जन बतौर सूबेदार अर्गुनाथ सिंह डेल्टा कंपनी में पेलाडून कमांडर परनाय सिंह चिचोरी बतौर राइफल मैन। मोहर सिंह पून चोपड़ा बतौर गर्दारवी लाल जी एल भत्रा विक्की और विशाल के वालिद। मीर सरवर बतौर हैदर एक पाकिस्तानी दहशतगर्द। अजवाल गोरहा बतौर पाकिस्तानी सिपाही। विजय जे आंत बतौर मिस्टर चीमा डंपल के वालिद। एडजस्टमेंट जेक रिफ हमारा
निश्वा अपने मल्होत्रा कप्तान निजू कपूर हरिकेश दो बे बतौर मेजर विजय भास्कर अनकोर शर्मा बतौर मेजर वकास दोहरा जय कार्तिक बतौर लेफ्टिनेंट नवीन और विजय मेनू कमल का कंता भत्रा विक्की और विशाल की मां के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशुवर्धन और इसको राइट जिसने किया है उनका नाम है संदीप और प्रोड्यूस्ड बाय हीरो याश जौहर इसके साथ करण जौहर और इसके साथ अपूर्वा मीठा और इसके साथ शबीर बॉक्सवाला अजय शाह इसके साथ हिमांशु गांधी स्टेरिंग जो है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की है और इसके साथ कायरा अडवाणी है सिनेमोग्राफी जिसने की है उनका नाम है कमालजीत नेगी एडिट बाई श्रीकर प्रसाद म्यूजिक बाई जोहन और इसके साथ सॉन्ग जो है ना दिनेश भागची की हैं और इसके साथ पी प्रैग के हैं इसके साथ जैसलीन रोहल की तरफ से हैं इसके साथ जवेद मोहसिन की हैं विक्रम मंटोरोसी हैं प्रोडक्शन कंपनी ड्रामा प्रोडक्शंस और काश इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय अमेजोन प्राइम वीडियो इसके साथ रिलीज डेट 12 अगस्त 2021 रनिंग टाइम 135 मिनट का है इसके साथ कंट्री इसकी इंडिया है और जिस जबान में इस मूवी को शूट किया गया वो जबान है जी इंडिया। शेरशाह एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्वानी जंगी फिल्म है जो विक्रम भत्रा की जिंदगी पर मबनी है जो कारगिल जंग में एक्शन में 2021 में मारे गए थे जिसकी हिदायतकारी विष्णु वर्धन ने अपनी हिंदी फिल्म की पहली फिल्म में की थी और इसे संदीप शिरोवा उस्तवा ने लिखा था। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और काश इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था जिसमें हीरो वेश जौहर किरण करण जौहर अपरू माता शबीर बॉक्सवाला अजय शाह हिमांशु गांधी बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा विक्रम बत्रा और इनके जुड़वा भाई विशाल के दोहरे किरदार में हैं। कियारा अडवाणी इनकी गर्लफ्रेंड डिपल चीमा के साथ हैं। मई 2019 में ऐलान किया गया कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने में शुरू हुई और जनवरी 2020 में इसको इख्ताम कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को कोविड-19 की बम्बई अमराज की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेजोन प्राइम पर इसको दिखाया गया था। शीर्षक को नाकदीन और सामीन की तरफ से यकसा मस्बत जायजे मिले। परफॉर्मेंस खास तौर पर मल्होत्रा और अडवाणी की डायरेक्शन म्यूजिक सिनेमोग्राफी एक्शन सीक्वेंस एडिटिंग और डिविजल इन्फ्लेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तनकीदी पेजराई मिली। ताहम तहरीर को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2021 को अमेजोन ने बताया कि शेरशाह हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। शेरशाह ने 19 नामजदियों के साथ 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड की क़यादत की जिसमें बेहतरीन अदाकारा मल्होत्रा और बेहतरीन अदाकारा आडवाणी शामिल है। बेहतरीन फिल्म बेहतरीन हिदायतकारा विष्णु वर्धन बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर तनशिक बगीची बी पराग समेत 7 अवार्ड जीते। जवेद मोहसिन और विक्रम बेहतरीन मर्द प्ले बैक सिंगर और बेहतरीन खतून प्ले बैक सिंगर रतन लबियान के लिए सामने आए। 59वें नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म ने खसूसी जोरी अवार्ड फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और
जौहर जीता था। दोस्तों सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको इंतजार होता है वो होता है जी फिल्म की स्टोरी। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए फिल्म की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों फिल्म में आप देखेंगे कि विशाल भत्र अपने भाई विक्रम पर अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए डेड टॉक पेश कर रहे हैं। नौजवान विक्रम क्रिकेट खेल रहा है जब वो एक गेंद पर बड़े नौ उम्र बच्चों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है। इस नडर फितरत को जहर करता है जिसके लिए वो बाद में मशहूर हुए। विक्रम टीवी सीरीज पर वीर चक्कर देकर हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसकी फौज में शमूलियत की ख्वाहिश शिद्दत से बढ़ती जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम अपने बड़े मजमून के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी बहरिया हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते थे। इसे मर्चेंटला नेवी के लिए मुंतखब किया गया जिसने इसकी गर्लफ्रेंड टिप्पल को खुश कर दिया, लेकिन इसके करियर के बारे में उलझनों का शिकार था। विक्रम और टिप्पल शादी करना चाहते थे, तहम टिप्पल के वालिद ने विक्रम को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ जातों से है। इस दौरान विक्रम को एहसास हुआ कि वो मर्चेंटला नेवी के लिए नहीं कमांडर डिफेंस सर्विस को तोड़ और हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। CDS बल्कि आर्मी के लिए है। इसने अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद विक्रम को जम्मू व कश्मीर रेफरेंस की लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था। वो अपने मर्दों और मकामी लोगों दोनों के साथ लेफ्टिनेंट संजू जेमी जमवाल से इनकार करता सी ओ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवर करता है और इंसदादाद बगावत की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पर वो अपने लेकिन मुजरमों को बेअसर कर देता है और जमी को की जान बचाता है। जमी अपने नुक्ता नज़र की सरजनिश करता है लेकिन बाद में इसके करीब हो जाता है। डेल्टा कंपनी जिसमें विक्रम भी बतौर लेफ्टिनेंट एक हिस्सा है एक बागी ग्रुप के मुर्गी को पकड़ती है। जवाबी कार्रवाई में लीडर हैदर डेल्टा कंपनी पर घात लगाकर इन्हें हथियारों के जखीरे की इंटेलिजेंस को लालच देकर हमला करता है। हलाक होने वालों में विक्रम का दोस्त नाइब सदर बेदार भंसी लाल भी शामिल है। सदमे से दो चार और इंतकामी वो हैदर का सुराग लगाता है और यूनिट के CO लेफ्टिनेंट कर्नल वही के जोशी से ऑपरेशन के लिए इजाज़त लेता है। विक्रम की क्यादत में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा जिससे वो हलाक हो गया। इसके बाद वो छुट्टी पर जाने की तैयारी करता है क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि कारगिल जंग करीब है। मई 1999 में रावलपिंडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जारहाना इकदाम शुरू किया और कारगिल पर कब्जा करने के लिए फौज भेजी। जैसे ही मुमकिन जंग के बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं विक्रम ने अपनी छुट्टियां कम करने और वापसी का फैसला किया। वो अपने दोस्त सनी से वादा करता है कि मैं या तो फतह में हिंदुस्तानी झंडा उठाकर वापस आऊँगा या इसमें लिपेट कर वापस आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। इस यूनिट को देगर रेजिमेंटों के साथ एक रेजर्व फोर्स के तौर पर खंबरी आर्मी 20 मुंतकिल किया जाता है ताकि वो मुफाकत और तैयारी कर सकें। यह अड्डा तोप खाने से RIF JAK गोलाबारी की जद में आता है जिसके नतीजे में विक्रम के सीनियर मेजर अजय सिंह जेसर वतिया समेत मुतद्दिद हलाकतें हुई। जंग के 3 हफ्ते बाद 13 से निजात दिलाने के लिए एक्टिव ड्यूटी पर मुंतकिल किया गया और 17,000 फुट पर पॉइंट
5140 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया। दूसरी राजपूताना रेफरेंस विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतेह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बगैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतेह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बगैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट पर दोबारा कब्जा करते हैं। फौज और अवाम में तारीफ हासिल करते हैं। जंग के दौरान विक्रम को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। 5140 को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा है जो कौमी शहरा एक को देखता है और अलामती तौर पर जंग का JAKRIF इनकी शानदार फतह के बाद आर्मी कमांडर ने 13 खात्मा कर दिया गया। वो अगले दिन पॉइंट 4875 पर हमला शुरू करते हैं लेकिन कच्चे इलाके और दुश्मन के मुतअद्दिद बिनगरों की वजह से भारी जानी नुकसान उठाते हैं। आखिरकार वो एक इन चार बिनगरों को तबाह कर देते हैं जिनसे वो वाकिफ हैं। पांचवें छुपे हुए बनकर से बेखबर वो भारी आग लगाते हैं। विक्रम ने राइफल इस्तेमाल करने का काम सौंपा ताहम एक स्नाइपर इसे गोली चलाने से पहले ही मारता है। विक्रम इसे बचाने के लिए खुले RPG-7 में यशपाल को बनकर पर पाकिस्तानी दोनों गोलों से मुतद्दिद दरबार निशाना बनाया जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो सूबेदार AK-47 मैदान में दौड़ता है और ऐसा कामयाबी से गिरता है लेकिन इसे स्नाइपर और रघुनाथ सिंह को आखिरी बनकर पर कमांड और चार्ज संभालते हुए देखता है। हिंदुस्तानी फौज को कौमी परचम बुलंद करते देखकर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पॉइंट 4875 पर इनके अमाल के लिए इन्हें बाद अज़मर्ग पर वीर चक्र से नवाजा गया है। इख्तिताम पालमपुर का नगरा में इसके जनाजे और एक परेशान डंपल को दिखाता है। असली विक्रम को भी क्रेडिट्स में दिखाया गया है। इस मूवी की जो कास्ट है उसकी अगर हम कास्ट में बात करें कि इसमें कौन क्या किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएगा, तो दोस्तों इस मूवी में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा डबल रोल में लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम भत्रा उर्फ विक्की इनके शेरशाह के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णे टुडीचा छोटे विक्रम भत्रा विक्की विशाल भत्रा विशेष के जुड़वा बड़े भाइयों के तौर पर विशाल भत्रा उर्फ वशी के रोल में नजर आएंगे। कावे टोटीजा छोटे विशाल भत्रा वशी विक्रम भत्रा विक्की जोड़वा भाई के तौर पर कियारा अडवाणी बतौर डंपल जीमा विक्की की गर्लफ्रेंड और मंगेतर के रोल में। शू पिंटत बतौर लेफ्टिनेंट संजीव जमी जमवाल सिंगरम विक्की के साथी और बाद में दोस्त। नगतीन धीर बतौर मेजर अजय जैसी सिंह जसर विक्की के साथ अनिल चंजीत बतौर नायब सूबेदार वंशी लाल शर्मा विक्की के करीबी दोस्त। जेक आरिफ के CO जोशी के वाई के टल्टी शुताफ फिगार बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल युगेश कुमार CO उभरिय सिंह बतौर मेजर सबरत सबू मगरची विक्की के साथ और डेल्टा कंपनी के साहिल वेद बतौर इमियत सिनी सूद विक्की की बेहतरीन दोस्त। मनमियत कौर मोना सिंह के तौर पर डंपल की बेहतरीन दोस्त। राज अर्जन बतौर सूबेदार अर्गुनाथ सिंह डेल्टा कंपनी में पहला डून कमांडर
परनाय सिंह, चिचोरी बतौर राइफल मैन, मोहर सिंह, पून चोपड़ा बतौर गर्दारी, लाल जी एल भत्रा, विक्की और विशाल के वालिद, मीर सरवर बतौर हैदर एक पाकिस्तानी दहशतगर, अजवाल गोरहा बतौर पाकिस्तानी सिपाही, विजय जे आंत बतौर मिस्टर चीमा डंपल के वालिद, एडजस्टमेंट जेक रिफ हमारा निश्वा अपने मल्होत्रा, कप्तान निजू कपूर, राकेश दो बे बतौर मेजर, विजय भास्कर, अनकोर शर्मा बतौर मेजर, वकास दोहरा, जे कार्तिक बतौर लेफ्टिनेंट नवीन और विजय मेनू कमल का कंता भत्रा, विक्की और विशाल की मां के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशुवर्धन और इसको राइट जिसने किया है उनका नाम है संदीप और प्रोड्यूस्ड बाय हीरो याश जौहर, इसके साथ करण जौहर, उसके साथ अपूर्वा मीठा और इसके साथ शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह, इसके साथ हिमांशु गांधी, स्टेरिंग जो है ना इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, और इसके साथ कायरा अडवाणी है, सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है कमालजीत नेगी, एडिट बाई श्रीकर प्रसाद, म्यूजिक बाई जोहन और इसके साथ सॉन्ग जो है ना दिनेश भागची की हैं और इसके साथ पी प्रैग के हैं, इसके साथ जैसलीन रोहल की तरफ से हैं, इसके साथ जवेद मोहसिन की हैं, विक्रम मंटोरोसी हैं, प्रोडक्शन कंपनी ड्रामा प्रोडक्शंस और काश इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय अमेजोन प्राइम वीडियो, इसके साथ रिलीज डेट 12 अगस्त 2021, रनिंग टाइम 135 मिनट का है, इसके साथ कंट्री इसकी इंडिया है और जिस जबान में इस मूवी को शूट किया गया वो जबान है जी इंडिया। शेरशाह एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्वानी जंगी फिल्म है जो विक्रम भत्रा की जिंदगी पर मबनी है जो कारगिल जंग में एक्शन में 2021 में मारे गए थे, जिसकी हिदायतकारी विष्णु वर्धन ने अपनी हिंदी फिल्म की पहली फिल्म में की थी और इसे संदीप शिरोवा उस्तवा ने लिखा था। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और काश इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें हीरो वेश जौहर, किरण करण जौहर, अपरू माता, शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह, हिमांशु गांधी बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्रम बत्रा और इनके जुड़वा भाई विशाल के दोहरे किरदार में हैं। कियारा अडवाणी इनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के साथ हैं। मई 2019 में ऐलान किया गया कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने में शुरू हुई और जनवरी 2020 में इसको इख्तिताम कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को कोविड-19 की बम्बई अमराज की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेजोन प्राइम पर इसको दिखाया गया था। शीर्षक को नाकदीन और सामीन की तरफ से यकसा मस्बत जायजे मिले। परफॉर्मेंस खास तौर पर मल्होत्रा और अडवाणी की डायरेक्शन, म्यूजिक, सिनेमाग्राफी, एक्शन सीक्वेंस, एडिटिंग और डिविजल इन्फ्लेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तनकीदी पेजराई मिली, ताहम तहरीर को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2021 को अमेजोन ने बताया कि शेरशाह हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। शेरशाह ने 19 नामजदियों के साथ 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड की क़यादत की, जिसमें बेहतरीन अदाकारा मल्होत्रा, बेहतरीन अदाकार आडवाणी शामिल हैं, बेहतरीन फिल्म बेहतरीन हिदायतकारा विष्णु वर्धन, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर तनशिक
बगीची, बी पराग समेत 7 अवार्ड जीते। जावेद मोहसिन और विक्रम बेहतरीन मर्द प्ले बैक सिंगर और बेहतरीन खातून प्ले बैक सिंगर रतन लबियान के लिए सामने आई। 59वें नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म ने खसूसी जोरी अवार्ड फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जौहर जीता था। दोस्तों सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको इंतजार होता है वो होता है जी फिल्म की स्टोरी। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए फिल्म की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों फिल्म में आप देखेंगे कि विशाल भत्र अपने भाई विक्रम पर अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए डेड टॉक पेश कर रहे हैं। नौजवान विक्रम क्रिकेट खेल रहा है जब वो एक गेंद पर बड़े नौ उम्र बच्चों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है। इस नडर फितरत को जहर करता है जिसके लिए वो बाद में मशहूर हुए। विक्रम टीवी सीरीज पर वीर चक्कर देकर हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसकी फौज में शमूलियत की ख्वाहिश शिद्दत से बढ़ती जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम अपने बड़े मजमून के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी बहरिया हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते थे। इसे मर्चेंटला नेवी के लिए मुंतखब किया गया जिसने इसकी गर्लफ्रेंड टिप्पल को खुश कर दिया, लेकिन इसके करियर के बारे में उलझनों का शिकार था। विक्रम और डिम्पल शादी करना चाहते थे, तहां डिम्पल के वालिद ने विक्रम को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ जातों से है। इस दौरान विक्रम को एहसास हुआ कि वो मर्चेंटला नेवी के लिए नहीं कमांडर डिफेंस सर्विस को तोड़ और हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। CDS बल्कि आर्मी के लिए है। इसने अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद विक्रम को जम्मू व कश्मीर रेफरेंस की लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था। वो अपने मर्दों और मकामी लोगों दोनों के साथ लेफ्टिनेंट संजू जेमी जम्वाल से इनकार करता सी ओ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवर करता है और इंसदाद बगावत की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पर वो अपने लेकिन मुजरमों को बेअसर कर देता है और जमी को की जान बचाता है। जमी अपने नुक्ता नज़र की सरजनिश करता है लेकिन बाद में इसके करीब हो जाता है। डेल्टा कंपनी जिसमें विक्रम भी बतौर लेफ्टिनेंट एक हिस्सा है एक बागी ग्रुप के मुर्गी को पकड़ती है। जवाबी कार्रवाई में लीडर हैदर डेल्टा कंपनी पर घात लगाकर इन्हें हथियारों के जखीरे की इंटेलिजेंस को लालच देकर हमला करता है। हलाक होने वालों में विक्रम का दोस्त नायब सदर बेदार भंसी लाल भी शामिल है। सदमे से दो चार और इंतकामी वो हैदर का सुराग लगाता है और यूनिट के सी ओ लेफ्टिनेंट कर्नल वही के जोशी से ऑपरेशन के लिए इजाज़त लेता है। विक्रम की क्यादत में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा जिससे वो हलाक हो गया। इसके बाद वो छुट्टी पर जाने की तैयारी करता है क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि कारगिल जंग करीब है। मई 1999 में रावलपिंडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जारहाना इकदाम शुरू किया और कारगिल पर कब्जा करने के लिए फौज भेजी। जैसे ही मुमकिन जंग के बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं विक्रम ने अपनी छुट्टियां कम करने और वापसी का फैसला किया। वो अपने दोस्त सनी से वादा करता है कि मैं या तो फतह में हिंदुस्तानी झंडा उठाकर वापस आऊँगा या इसमें लिपेट कर वापस आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। इस यूनिट को देगर रेजिमेंटों के साथ एक रेजर्व फोर्स के तौर पर खंबरी आर्मी 20 मुंतकिल किया जाता है ताकि वो मुफाकत और तैयारी कर सकें।
याडा तोप खाने से RIF JAK गोलाबारी की जद में आता है, जिसके नतीजे में विक्रम के सीनियर मेजर अजय सिंह जेसर वतिया समेत मुतद्दिद हलाकतें हुई। जंग के 3 हफ्ते बाद 13 से निजात दिलाने के लिए एक्टिव ड्यूटी पर मुंतकिल किया गया और 17,000 फुट पर पॉइंट 5,140 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया। दूसरी रजपूताना रेफरेंस विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतेह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बग़ैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतेह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बग़ैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट पर दोबारा कब्जा करते हैं, फौज और अवाम में तारीफ हासिल करते हैं। जंग के दौरान विक्रम को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। 5,140 को पॉइंट 4,875 पर कब्जा करने का काम सौंपा है, जो कौमी शहरा एक को देखता है और अलामती तौर पर जंग का JAK RIF इनकी शानदार फतह के बाद आर्मी कमांडर ने 13 खात्मा कर दिया गया। वो अगले दिन पॉइंट 4,875 पर हमला शुरू करते हैं, लेकिन कच्चे इलाके और दुश्मन के मुतद्दिद बिनगरों की वजह से भारी जानी नुकसान उठाते हैं। आखिरकार वो इन 4 बंगरों को तबाह कर देते हैं जिनसे वो वाकिफ हैं। पांचवें छुपे हुए बंगर से बेखबर वो भारी आग लगाते हैं। विक्रम ने राइफल इस्तेमाल करने का काम सौंपा, ताहम एक स्नाइपर इसे गोली चलाने से पहले ही मारता है। विक्रम इसे बचाने के लिए खुले RPJ-7 में यशपाल को बनकर पर पाकिस्तानी दोनों गोलों से मुतद्दिद दरबार निशाना बनाया जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो सूबेदार AK-47 मैदान में दौड़ता है और ऐसा कामयाबी से गिरता है, लेकिन इसे स्नाइपर और रघुनाथ सिंह को आखिरी बनकर पर कमांड और चार्ज संभालते हुए देखता है। हिंदुस्तानी फौज को कौमी परचम बुलंद करते देख कर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पॉइंट 4,875 पर इनके अमाल के लिए इन्हें बाद अज़मर्ग पर वीर चक्र से नवाजा गया है। इख्तिताम पालमपुर का नगरा में इसके जनाजे और एक परेशान डंपल को दिखाता है। असली विक्रम को भी क्रेडिट्स में दिखाया गया है। इस मूवी की जो कास्ट है उसकी अगर हम कास्ट में बात करें कि इसमें कौन क्या किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएगा, तो दोस्तों इस मूवी में आपको सरदार्थ मल्होत्रा डबल रोल में लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम भत्रा उर्फ विक्की इनके शेरशाह के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा कर्शने टोडीचा छोटे विक्रम भत्रा विक्की विशाल भत्रा विशेष के जुड़वा बड़े भाइयों के तौर पर विशाल भत्रा उर्फ वशी के रोल में नजर आएंगे। कावे टोटीचा छोटे विशाल भत्रा वशी विक्रम भत्रा विक्की जुड़वा भाई के तौर पर कियारा अडवाणी बतौर डंपल चीमा विक्की की गर्लफ्रेंड और मंगेतर के रोल में। शू पिंटत बतौर लेफ्टिनेंट संजीव जमी जमवाल सिंगरम विक्की के साथी और बाद में दोस्त। नगतीन धीर बतौर मेजर अजय जैसी सिंह जसर विक्की के साथ। अनिल चंजीत बतौर नायब सूबेदार बंसीलाल शर्मा विक्की के करीबी दोस्त। जेक आरिफ के CO जोशी के वाई के 13 शताफ फिगार बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार CO
उभरिए सिंह बतौर मेजर, सबरत सबू मगर्ची विक्की के साथ और डेल्टा कंपनी के साहिल वेद बतौर इमियत सनी सूद विक्की की बेहतरीन दोस्त, मनमियत कौर मोना सिंह के तौर पर डंपल की बेहतरीन दोस्त, राज अर्जन बतौर सूबेदार अर्गुनाथ सिंह डेल्टा कंपनी में पैलाडून कमांडर, परनाय सिंह चिचोरी बतौर राइफल मैन, मोहर सिंह पून चोपड़ा बतौर गर्दारवी, लाल जी एल भत्रा विक्की और विशाल के वालिद, मीर सरवर बतौर हैदर एक पाकिस्तानी दहशतगर, अजवाल गोरहा बतौर पाकिस्तानी सिपाही, विजय जे आंत बतौर मिस्टर चीमा डंपल के वालिद, एडजस्टमेंट जेक रिफ हमारा निश्वा अपने मल्होत्रा कप्तान, निजू कपूर राकेश दो बे बतौर मेजर, विजय भास्कर अनकोर शर्मा बतौर मेजर, वकास दोहरा जे कार्तिक बतौर लेफ्टिनेंट नवीन और विजय मेनू कमल का कांता भत्रा विक्की और विशाल की मां के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशुवर्धन और इसको राइट जिसने किया है उनका नाम है संदीप और प्रोड्यूस्ड बाय हीरो याश जौहर, इसके साथ करण जौहर और इसके साथ अपूर्वा मीठा और इसके साथ शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह इसके साथ, हिमांशु गांधी स्टेरिंग जो है ना इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की है और इसके साथ कायरा अडवाणी है, सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है कमालजीत नेगी, एडिट बाई श्रीकर प्रसाद, म्यूजिक बाई जोहन और इसके साथ सॉन्ग जो है ना दिनेश भागची की हैं और इसके साथ पी प्रैग के हैं, इसके साथ जैसलीन रोहल की तरफ से हैं, इसके साथ जवेद मोहसिन की हैं, विक्रम मंटोरोसी हैं, प्रोडक्शन कंपनी ड्रामा प्रोडक्शंस और काश इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय अमेजोन प्राइम वीडियो, इसके साथ रिलीज डेट 12 अगस्त 2021, रनिंग टाइम 135 मिनट का है, इसके साथ कंट्री इसकी इंडिया है और जिस जबान में इस मूवी को शूट किया गया वो जबान है जी इंडिया। शेरशाह एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्वानी जंगी फिल्म है जो विक्रम बत्रा की जिंदगी पर मबनी है जो कारगिल जंग में एक्शन में 2021 में मारे गए थे, जिसकी हिदायतकारी विष्णु वर्धन ने अपनी हिंदी फिल्म की पहली फिल्म में की थी और इसे संदीप शिरोवा उस्तवा ने लिखा था। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और काश इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें हीरो वेश जौहर, किरण करण जौहर, अपरू माता, शबीर बॉक्सवाला, अच्छे शाह, हिमांशु गांधी बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। सरदार मल्होत्रा, विक्रम बत्रा और इनके जुड़वा भाई विशाल के दोहरे किरदार में हैं। कियारा अडवाणी इनकी गर्लफ्रेंड डिपल चीमा के साथ हैं। मई 2019 में ऐलान किया गया कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने में शुरू हुई और जनवरी 2020 में इसको इख्ताम कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को कोविड-19 की बीमारी अमराज की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेज़न प्राइम पर इसको दिखाया गया था। शीर्षक को नाकदीन और सामीन की तरफ से यकसा मस्बत जायजे मिले। परफॉर्मेंस खास तौर पर मल्होत्रा और अडवाणी की डायरेक्शन, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस, एडिटिंग और डिविजल इन्फ्लेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तनकीदी पेजराई मिली, ताहम तहरीर को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2021 को अमेज़न ने
बताया कि शेरशाह हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। शेरशाह ने 19 नामजदियों के साथ 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड की क़यादत की, जिसमें बेहतरीन अदाकारा मल्होत्रा और बेहतरीन अदाकार आडवाणी शामिल हैं। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकारा विष्णु वर्धन, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर तनशिक बान बगीची, बी पराग समेत 7 अवार्ड जीते। जावेद मोहसिन और विक्रम बेहतरीन मर्द प्लेबैक सिंगर और बेहतरीन खतून प्लेबैक सिंगर रतन नबियान के लिए सामने आई। 59वें नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म ने खसूसी जोरी अवार्ड फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जौहर जीता था। दोस्तों सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको इंतजार होता है वो होता है जी फिल्म की स्टोरी। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए फिल्म की स्टोरी की तरफ लेके चलता दोस्तों। फिल्म में आप देखेंगे कि विशाल भत्र अपने भाई विक्रम पर अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए डेड टॉक पेश कर रहे हैं। नौजवान विक्रम क्रिकेट खेल रहा है जब वो एक गेंद पर बड़े नौउम्र बच्चों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है। इस नडर फितरत को जहर करता है जिसके लिए वो बाद में मशहूर हुए। विक्रम टीवी सीरीज पर वीर चक्कर देकर हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसकी फौज में शमूलियत की ख्वाहिश शिद्दत से बढ़ती जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम अपने बड़े मजमून के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी बहरिया हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते थे। इसे मर्चेंटला नेवी के लिए मुंतखब किया गया, जिसने इसकी गर्लफ्रेंड टिप्पल को खुश कर दिया, लेकिन इसके करियर के बारे में उलझनों का शिकार था। विक्रम और टिप्पल शादी करना चाहते थे, तहम टिप्पल के वालिद ने विक्रम को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ जातों से है। इस दौरान विक्रम को एहसास हुआ कि वो मर्चेंटला नेवी के लिए नहीं कमांडर डिफेंस सर्विस को तोड़ और हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। CDS बल्कि आर्मी के लिए है। इसने अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद विक्रम को जम्मू व कश्मीर रेफरेंस की लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था। वो अपने मर्दों और मकामी लोगों दोनों के साथ लेफ्टिनेंट संजू जेमी जम्वाल से इनकार करता CO खुशगवार ताल्लुकात इस्तवर करता है और इंसदादाद बगावत की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पर वो अपने लेकिन मुजरमों को बेअसर कर देता है और जमी को की जान बचाता है। जमी अपने नुक्ता नज़र की सरजनिश करता है लेकिन बाद में इसके करीब हो जाता है। डेल्टा कंपनी, जिसमें विक्रम भी बतौर लेफ्टिनेंट एक हिस्सा है, एक बागी ग्रुप के मुर्गी को पकड़ती है। जवाबी कार्रवाई में लीडर हैदर डेल्टा कंपनी पर घात लगाकर इन हथियारों के जखीरे की इंटेलिजेंस को लालच देकर हमला करता है। हलाक होने वालों में विक्रम का दोस्त नायब सदर बेदार भंसी लाल भी शामिल है। सदमे से दो चार और इंतकामी वो हैदर का सुराग लगाता है और यूनिट के CO लेफ्टिनेंट कर्नल वही के जोशी से ऑपरेशन के लिए इजाज़त लेता है। विक्रम की क्यादत में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा जिससे वो हलाक हो गया। इसके बाद वो छुट्टी पर जाने की तैयारी करता है क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि कारगिल जंग करीब है। मई 1999 में रावलपिंडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जारहाना इकदाम शुरू किया और कारगिल पर कब्जा करने के लिए फौज भेजी। जैसे ही मुमकिन जंग के बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं, विक्रम ने अपनी छुट्टियां कम करने और वापसी का फैसला किया।
वो अपने दोस्त सनी से वादा करता है कि मैं या तो फतह में हिंदुस्तानी झंडा उठाकर वापस आऊँगा या इसमें लिपेट कर वापस आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। इस यूनिट को देकर रेजिमेंटों के साथ एक रेजर्व फोर्स के तौर पर खंबरी आर्मी 20 मुंतकिल किया जाता है ताकि वो मुफाकत और तैयारी कर सकें। ये अड्डा तोप खाने से RIF JAK गोलाबारी की जद में आता है, जिसके नतीजे में विक्रम के सीनियर मेजर अजय सिंह जेसर वतिया समेत मुतद्दिद हलाकतें हुई। जंग के 3 हफ्ते बाद 13 से निजात दिलाने के लिए एक्टिव ड्यूटी पर मुंतकिल किया गया और 17,000 फुट पर पॉइंट 5,140 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया। दूसरी रजपूताना रेफरेंस विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बगैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बगैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट पर दोबारा कब्जा करते हैं, फौज और अवाम में तारीफ हासिल करते हैं। जंग के दौरान विक्रम को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। 5,140 को पॉइंट 4,875 पर कब्जा करने का काम सौंपा है, जो कौमी शहरा एक को देखता है और अलामती तौर पर जंग का JAK RIF इन की शानदार फतह के बाद आर्मी कमांडर ने 13 खात्मा कर दिया गया। वो अगले दिन पॉइंट 4,875 पर हमला शुरू करते हैं, लेकिन कच्चे इलाके और दुश्मन के मुतअद्दिद बिनगरों की वजह से भारी जानी नुकसान उठाते हैं। आखिरकार वो एक इन 4 बिनगरों को तबाह कर देते हैं जिनसे वो वाकिफ हैं। पांचवें छुपे हुए बनकर से बेखबर वो भारी आग लगाते हैं। विक्रम ने राइफल इस्तेमाल करने का काम सौंपा, ताहम एक स्नाइपर इसे गोली चलाने से पहले ही मारता है। विक्रम इसे बचाने के लिए खुले RPG-7 में यशपाल को बनकर पर पाकिस्तानी दोनों गोलों से मुतद्दिद दरबार निशाना बनाया जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो सूबेदार AK-47 मैदान में दौड़ता है और ऐसा कामयाबी से गिरता है, लेकिन इसे स्नाइपर और रघुनाथ सिंह को आखिरी बनकर पर कमांड और चार्ज संभालते हुए देखता है। हिंदुस्तानी फौज को कौमी परचम बुलंद करते देख कर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पॉइंट 4,875 पर इनके अमाल के लिए इन्हें बाद अज़मर्ग पर वीर चक्र से नवाजा गया है। इख्तिताम पालमपुर का नगरा में इसके जनाजे और एक परेशान डंपल को दिखाता है। असली विक्रम को भी क्रेडिट्स में दिखाया गया है। इस मूवी की जो कास्ट है उसकी अगर हम कास्ट में बात करें कि इसमें कौन क्या किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएगा, तो दोस्तों इस मूवी में आपको सरदार्थ मल्होत्रा डबल रोल में लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम भत्रा उर्फ विक्की इनके शेरशाह के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्णे टोडीचा छोटे विक्रम भत्रा विक्की विशाल भत्रा विशेष के जुड़वा बड़े भाइयों के तौर पर विशाल भत्रा उर्फ वशी के रोल में नजर आएंगे। कावे टोटीजा छोटे विशाल भत्रा वशी विक्रम भत्रा विक्की जोड़वा भाई के तौर पर कियारा अडवाणी बतौर डंपल जीमा विक्की की गर्लफ्रेंड और मंगेतर के रोल में। शू पिंटत बतौर लेफ्टिनेंट संजीव
जमी जमवाल, सिंगरम विक्की के साथी और बाद में दोस्त, नगतीन धीर बतौर मेजर, अजय जैसी सिंह जसर विक्की के साथ, अनिल चनजीत बतौर नायब सूबेदार, वंशी लाल शर्मा विक्की के करीबी दोस्त, जेक आरिफ के सीओ जोशी, के वाई के टल्टीन, शताफ फिगार बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, युगेश कुमार सीओ, उभरिय सिंह बतौर मेजर, सबरत सबू मगरची विक्की के साथ और डेल्टा कंपनी के साहिल वेद बतौर इमियत, सनी सूद विक्की की बेहतरीन दोस्त, मनमियत कौर मोना सिंह के तौर पर डंपल की बेहतरीन दोस्त, राज अर्जन बतौर सूबेदार, अर्गुनाथ सिंह डेल्टा कंपनी में पैलाडून कमांडर, परनाय सिंह चिचोरी बतौर राइफल मैन, मोहर सिंह पून चोपड़ा बतौर गर्दारी, लाल जी एल भत्रा विक्की और विशाल के वालिद, मीर सरवर बतौर हैदर एक पाकिस्तानी दहशतगर, अजवाल गोरहा बतौर पाकिस्तानी सिपाही, विजय जे आंत बतौर मिस्टर चीमा डंपल के वालिद, एडजस्टमेंट जेक रिफ हमारा निश्वा अपने मल्होत्रा कप्तान, निजू कपूर राकेश दो बे बतौर मेजर, विजय भास्कर अंकोर शर्मा बतौर मेजर, वकास दोहरा जे कार्तिक बतौर लेफ्टिनेंट नवीन और विजय मेनू कमल का कांता भत्रा विक्की और विशाल की मां के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशुवर्धन और इसको राइट जिसने किया है उनका नाम है संदीप और प्रोड्यूस्ड बाय हीरो यश जौहर, इसके साथ करण जौहर, इसके साथ अपूर्वा मीठा और इसके साथ शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह, इसके साथ हिमांशु गांधी, स्टेरिंग जो है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, इसके साथ कायरा अडवाणी है, सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है कमालजीत नेगी, एडिट बाय श्रीकर प्रसाद, म्यूजिक बाय जोहन और इसके साथ सॉन्ग जो है ना दिनेश भागची की हैं और इसके साथ पी प्रैग के हैं, इसके साथ जैसलीन रोहल की तरफ से हैं, इसके साथ जवेद मोहसिन की हैं, विक्रम मंटोरोसी हैं, प्रोडक्शन कंपनी ड्रामा प्रोडक्शंस और काश इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय अमेजोन प्राइम वीडियो, इसके साथ रिलीज डेट 12 अगस्त 2021, रनिंग टाइम 135 मिनट का है, इसके साथ कंट्री इसकी इंडिया है और जिस जबान में इस मूवी को शूट किया गया वो जबान है जी इंडिया। शेरशाह एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्वानी जंगी फिल्म है जो विक्रम भत्रा की जिंदगी पर मबनी है जो कारगिल जंग में एक्शन में 2021 में मारे गए थे, जिसकी हिदायतकारी विष्णु वर्धन ने अपनी हिंदी फिल्म की पहली फिल्म में की थी और इसे संदीप शिरोवा उस्तवा ने लिखा था। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और काश इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें हीरो वेश जौहर, किरण करण जौहर, अपरू माता, शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह, हिमांशु गांधी बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्रम बत्रा और इनके जुड़वा भाई विशाल के दोहरे किरदार में हैं। कियारा अडवाणी इनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के साथ हैं। मई 2019 में ऐलान किया गया कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने में शुरू हुई और जनवरी 2020 में इसको इख्ताम कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को कोविड-19 की बीमारी अमराज की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म का प्रीमियर
12 अगस्त 2021 को अमेज़न प्राइम पर इसको दिखाया गया था। शीर्षक को नाकदीन और सामीन की तरफ से यकसा मस्बत जायजे मिले। परफॉर्मेंस खास तौर पर मल्होत्रा और अडवाणी की डायरेक्शन, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस, एडिटिंग और डिविजल इन्फ्लेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तनकीदी पेज़राई मिली। ताहम तहरीर को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2021 को अमेज़न ने बताया कि शेरशाह हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। शेरशाह ने 19 नामजदियों के साथ 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड की क़यादत की, जिसमें बेहतरीन अदाकारा मल्होत्रा, बेहतरीन अदाकार आडवाणी शामिल है। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकारा विष्णु वर्धन, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर तनशिक बान बगीची, बी पराग समेत 7 अवार्ड जीते। जावेद मोहसिन और विक्रम बेहतरीन मर्द प्लेबैक सिंगर और बेहतरीन खतून प्लेबैक सिंगर रतन लबियान के लिए सामने आई। 59वें नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म ने खसूसी जोरी अवार्ड फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जौहर जीता था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको इंतज़ार होता है वो होता है जी फिल्म की स्टोरी। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए फिल्म की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, फिल्म में आप देखेंगे कि विशाल भत्र अपने भाई विक्रम पर अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए डेड टॉक पेश कर रहे हैं। नौजवान विक्रम क्रिकेट खेल रहा है जब वो एक गेंद पर बड़े नौ उम्र बच्चों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है। इस नडर फितरत को जहर करता है जिसके लिए वो बाद में मशहूर हुए। विक्रम टीवी सीरीज पर वीर चक्कर देकर हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसकी फौज में शमूलियत की ख्वाहिश शिद्दत से बढ़ती जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम अपने बड़े मजमून के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी बहरिया हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते थे। इसे मर्चेंटला नेवी के लिए मुंतखब किया गया, जिसने इसकी गर्लफ्रेंड टिप्पल को खुश कर दिया, लेकिन इसके करियर के बारे में उलझनों का शिकार था। विक्रम और डिम्पल शादी करना चाहते थे, तहाँ डिम्पल के वालिद ने विक्रम को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ जातों से है। इस दौरान विक्रम को एहसास हुआ कि वो मर्चेंटला नेवी के लिए नहीं कमांडर डिफेंस सर्विस को तोड़ और हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। CDS बल्कि आर्मी के लिए है। इसने अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद विक्रम को जम्मू व कश्मीर रेफरेंस की लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था। वो अपने मर्दों और मकामी लोगों दोनों के साथ लेफ्टिनेंट संजू जेमी जम्वाल से इनकार करता CO खुशगवार ताल्लुकात इस्तवर करता है और इंसदाद बगावत की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पर वो अपने लेकिन मुजरमों को बेअसर कर देता है और जमी को की जान बचाता है। जमी अपने नुक्ता नज़र की सरजनिश करता है लेकिन बाद में इसके करीब हो जाता है। डेल्टा कंपनी, जिसमें विक्रम भी बतौर लेफ्टिनेंट एक हिस्सा है, एक बागी ग्रुप के मुर्गी को पकड़ती है। जवाबी कार्रवाई में लीडर हैदर डेल्टा कंपनी पर घात लगाकर इन हथियारों के जखीरे की इंटेलिजेंस को लालच देकर हमला करता है। हलाक होने वालों में विक्रम का दोस्त नाइब सदर बेदार भंसी लाल भी शामिल है। सदमे से दो चार और इंतकामी वो हैदर का सुराग लगाता है और यूनिट के CO लेफ्टिनेंट कर्नल वाही के जोशी से ऑपरेशन के लिए इजाज़त लेता है। विक्रम की क्यादत में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा,
जिससे वो हलाक हो गया। इसके बाद वो छुट्टी पर जाने की तैयारी करता है क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि कारगिल जंग करीब है। मई 1999 में रावलपिंडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जारहाना इकदाम शुरू किया और कारगिल पर कब्जा करने के लिए फौज भेजी। जैसे ही मुमकिना जंग के बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं, विक्रम ने अपनी छुट्टियां कम करने और वापसी का फैसला किया। वो अपने दोस्त सनी से वादा करता है कि मैं या तो फतह में हिंदुस्तानी झंडा उठाकर वापस आऊँगा या इसमें लिपेट कर वापस आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। इस यूनिट को देगर रेजिमेंटों के साथ एक रेजर्व फोर्स के तौर पर खंबरी आर्मी 20 मुंतकिल किया जाता है ताकि वो मुफाकत और तैयारी कर सकें। ये अड्डा तोप खाने से RIF JAK गोलाबारी की जद में आता है, जिसके नतीजे में विक्रम के सीनियर मेजर अजय सिंह जेसर वतिया समेत मुतद्दिद हलाकतें हुई। जंग के 3 हफ्ते बाद 13 से निजात दिलाने के लिए एक्टिव ड्यूटी पर मुंतकिल किया गया और 17,000 फुट पर पॉइंट 5,140 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया। दूसरी राजपूताना रेफरेंस विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बग़ैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बग़ैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट पर दोबारा कब्जा करते हैं, फौज और अवाम में तारीफ हासिल करते हैं। जंग के दौरान विक्रम को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। 5,140 को पॉइंट 4,875 पर कब्जा करने का काम सौंपा है, जो कौमी शहरा एक को देखता है और अलामती तौर पर जंग का JAK RIF इनकी शानदार फतह के बाद आर्मी कमांडर ने 13 खात्मा कर दिया गया। वो अगले दिन पॉइंट 4,875 पर हमला शुरू करते हैं, लेकिन कच्चे इलाके और दुश्मन के मुतअद्दिद बिनगरों की वजह से भारी जानी नुकसान उठाते हैं। आखिरकार वो इन 4 बिनगरों को तबाह कर देते हैं जिनसे वो वाकिफ हैं। पांचवें छुपे हुए बनकर से बेखबर वो भारी आग लगाते हैं। विक्रम ने राइफल इस्तेमाल करने का काम सौंपा, तहम एक स्नाइपर इसे गोली चलाने से पहले ही मारता है। विक्रम इसे बचाने के लिए खुले RPJ-7 में यशपाल को बनकर पर पाकिस्तानी दोनों गोलों से मुतद्दिद दरबार निशाना बनाया जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो सूबेदार AK-47 मैदान में दौड़ता है और ऐसा कामयाबी से गिरता है, लेकिन इसे स्नाइपर और रघुनाथ सिंह को आखिरी बनकर पर कमांड और चार्ज संभालते हुए देखता है। हिंदुस्तानी फौज को कौमी परचम बुलंद करते देख कर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पॉइंट 4,875 पर इनके अमाल के लिए इन्हें बाद अज़मर्ग पर वीर चक्र से नवाजा गया है। इख्तिताम पालमपुर का नगरा में इसके जनाजे और एक परेशान डंपल को दिखाता है। असली विक्रम को भी क्रेडिट्स में दिखाया गया है। इस मूवी की जो कास्ट है उसकी अगर हम कास्ट में बात करें कि इसमें कौन क्या किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएगा, तो दोस्तों इस मूवी में आपको सरदार्थ मल्होत्रा डबल रोल में लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम भत्रा उर्फ विक्की इनके शेरशाह के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्ण
टुडीचा, छोटे विक्रम, भात्रा, विक्की, विशाल, बत्रा, विशेष के जुड़वा बड़े भाइयों के तौर पर विशाल, बत्रा और वशी के रोल में नजर आएंगे। कावे टुडीचा, छोटे विशाल, भत्रा, वशी, विक्रम, भत्रा, विक्की, जुड़वा भाई के तौर पर कियारा आडवाणी बतौर डंपल, चीमा, विक्की की गर्लफ्रेंड और मंगेतर के रोल में। शू पिंटत बतौर लेफ्टिनेंट, संजीव जमी जमवाल, सिंगरम, विक्की के साथी और बाद में दोस्त। नगतीन धीर बतौर मेजर, अजय, जैसी सिंह, जसर, विक्की के साथ अनिल, चंजीत बतौर नैब, सूबेदार, वंशी लाल शर्मा, विक्की के करीबी दोस्त, जेक आरिफ के सीओ, जोशी के वाई के 13, शताफ फिगार बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, युगेश कुमार सीओ, उभरिय सिंह बतौर मेजर, सबरत सबू मगरची विक्की के साथ और डेल्टा कंपनी के साहिल, वेद बतौर इमियत, सिनी सूद विक्की की बेहतरीन दोस्त, मनमियत कौर मोना सिंह के तौर पर डंपल की बेहतरीन दोस्त, राज अर्जन बतौर सूबेदार, अर्गुनाथ सिंह डेल्टा कंपनी में पेलाडून कमांडर, परनाय सिंह चिचोरी बतौर राइफल मैन, मोहर सिंह पून चोपड़ा बतौर गर्दारी, लाल जी एल भत्रा विक्की और विशाल के वालिद, मीर सरवर बतौर हैदर एक पाकिस्तानी दहशतगर, अजवाल गोरहा बतौर पाकिस्तानी सिपाही, विजय जे आंत बतौर मिस्टर चीमा डंपल के वालिद, एडजस्टमेंट जेक रिफ हमारा निश्वा अपने मल्होत्रा, कप्तान निजू कपूर, राकेश दो बे बतौर मेजर, विजय भास्कर, अनकोर शर्मा बतौर मेजर, वकास दोहरा, जे कार्तिक बतौर लेफ्टिनेंट नवीन और विजय मेनू कमल का कांता भत्रा विक्की और विशाल की मां के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशुवर्धन और इसको राइट जिसने किया है उनका नाम है संदीप और प्रोड्यूस्ड बाय हीरो याश जौहर, इसके साथ करण जौहर, इसके साथ अपरूवा मीठा और इसके साथ शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह, इसके साथ हिमांशु गांधी, स्टेरिंग जो है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, इसके साथ कायरा आडवाणी है, सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है कमालजीत नेगी, एडिट बाई श्रीकर प्रसाद, म्यूजिक बाई जोहन और इसके साथ सॉन्ग जो है ना दिनेश भागची के हैं और इसके साथ पी प्रैग के हैं, इसके साथ जैसलीन रोहल की तरफ से हैं, इसके साथ जवेद मोहसिन के हैं, विक्रम मंटोरोसी हैं, प्रोडक्शन कंपनी ड्रामा प्रोडक्शंस और काश इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय अमेजोन प्राइम वीडियो, इसके साथ रिलीज डेट 12 अगस्त 2021, रनिंग टाइम 135 मिनट का है, इसके साथ कंट्री इसकी इंडिया है और जिस जबान में इस मूवी को शूट किया गया वो जबान है जी इंडिया। शेरशाह एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्वानी जंगी फिल्म है जो विक्रम भत्रा की जिंदगी पर मबनी है जो कारगिल जंग में एक्शन में 2021 में मारे गए थे, जिसकी हिदायतकारी विष्णु वर्धन ने अपनी हिंदी फिल्म की पहली फिल्म में की थी और इसे संदीप शिरोवा उस्तवा ने लिखा था। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और काश इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें हीरो वेश जौहर, किरण करण जौहर, अपरू माता, शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह, हिमांशु गांधी बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्रम बत्रा और इनके जुड़वा भाई विशाल के दोहरे किरदार में हैं। कियारा
अडवाणी इनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के साथ हैं। मई 2019 में ऐलान किया गया कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी इसी महीने में शुरू हुई और जनवरी 2020 में इसको इख्ताम कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को कोविड-19 की बम्बई अमराज की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेज़ॉन प्राइम पर इसको दिखाया गया था। शीर्षक को नाकदीन और सामीन की तरफ से यकसा मस्बत जायजे मिले। परफॉर्मेंस खास तौर पर मल्होत्रा और अडवाणी की ट्रैक्शन, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस, एडिटिंग और डिविजल इन्फ्लेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तनकीदी पेजराई मिली। ताहम तहरीर को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा। 31 अगस्त 2021 को अमेज़ॉन ने बताया कि शेरशाह हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। शेरशाह ने 19 नामजदियों के साथ 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड की क़यादत की, जिसमें बेहतरीन अदाकारा मल्होत्रा, बेहतरीन अदाकार अडवाणी शामिल है। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकारा विष्णु वर्धन, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर तनशिक बान बगीची, बी पराग समेत 7 अवार्ड जीते। जावेद मोहसिन और विक्रम बेहतरीन मर्द प्ले बैक सिंगर और बेहतरीन खातून प्ले बैक सिंगर रतन लबियान के लिए सामने आई। 59वें नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म ने खसूसी जोरी अवार्ड फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जौहर जीता था। दोस्तों सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको इंतजार होता है वो होता है जी फिल्म की स्टोरी। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए फिल्म की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों फिल्म में आप देखेंगे कि विशाल भत्रा अपने भाई विक्रम पर अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए डेड टॉक पेश कर रहे हैं। नौजवान विक्रम क्रिकेट खेल रहा है जब वो एक गेंद पर बड़े नौ उम्र बच्चों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है। इस नडर फितरत को जहर करता है जिसके लिए वो बाद में मशहूर हुए। विक्रम टीवी सीरीज पर वीर चक्कर देकर हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसकी फौज में शमूलियत की ख्वाहिश शिद्दत से बढ़ती जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम अपने बड़े मजमून के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी बहरिया हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते थे। इसे मर्चेंटला नेवी के लिए मुंतखब किया गया, जिसने इसकी गर्लफ्रेंड टिप्पल को खुश कर दिया, लेकिन इसके करियर के बारे में उलझनों का शिकार था। विक्रम और डिंपल शादी करना चाहते थे, तहाँ डिंपल के वालिद ने विक्रम को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ ज़ातों से है। इस दौरान विक्रम को एहसास हुआ कि वो मर्चेंटला नेवी के लिए नहीं कमांडर डिफेंस सर्विस को तोड़ और हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। CDS बल्कि आर्मी के लिए है। इसने अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद विक्रम को जम्मू व कश्मीर रेफरेंस की लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था। वो अपने मर्दों और मकामी लोगों दोनों के साथ लेफ्टिनेंट संजू जेमी जम्वाल से इनकार करता सी ओ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवर करता है और इंसदाद बगावत की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पर वो अपने लेकिन मुजरमों को बेअसर कर देता है और जमी को की जान बचाता है। जमी अपने नुक्ता नज़र की सरजनिश करता है लेकिन बाद में इसके करीब हो जाता है। डेल्टा कंपनी, जिसमें विक्रम भी बतौर लेफ्टिनेंट एक हिस्सा है, एक बागी ग्रुप के मुर्गी को पकड़ती है। जवाबी कार्रवाई में लीडर हैदर डेल्टा कंपनी पर घात लगाकर इन हथियारों के जखीरे की इंटेलिजेंस को
लालच देकर हमला करता है। हलाक होने वालों में विक्रम का दोस्त नाइब सदर बेदार भंसी लाल भी शामिल है। सदमे से दो चार और इंतकामी वो हैदर का सुराग लगाता है और यूनिट के सी और लेफ्टिनेंट कर्नल वही के जोशी से ऑपरेशन के लिए इजाज़त लेता है। विक्रम की क्यादत में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा जिससे वो हलाक हो गया। इसके बाद वो छुट्टी पर जाने की तैयारी करता है क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि कारगिल जंग करीब है। मई 1999 में रावलपिंडी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जारहाना इकदाम शुरू किया और कारगिल पर कब्जा करने के लिए फौज भेजी। जैसे ही मुमकिन जंग के बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं, विक्रम ने अपनी छुट्टियां कम करने और वापसी का फैसला किया। वो अपने दोस्त सनी से वादा करता है कि मैं या तो फतह में हिंदुस्तानी झंडा उठाकर वापस आऊँगा या इसमें लिपेट कर वापस आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। इस यूनिट को देकर रेजिमेंटों के साथ एक रेजर्व फोर्स के तौर पर खंबरी आर्मी 20 मुंतकिल किया जाता है ताकि वो मुफाकत और तैयारी कर सकें। ये अड्डा तोप खाने से RIF JAK गोलाबारी की जद में आता है जिसके नतीजे में विक्रम के सीनियर मेजर अजय सिंह जेसर वतिया समेत मुतद्दिद हलाकतें हुई। जंग के 3 हफ्ते बाद 13 से निजात दिलाने के लिए एक्टिव ड्यूटी पर मुंतकिल किया गया और 17,000 फुट पर पॉइंट 5,140 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया। दूसरी राजपूताना रेफरेंस विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बगैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट विक्रम ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कोड नाम शेरशाह और फतह का इशारा ये दिल मांगे मजीद अपनाया। जमी और विक्रम अपनी कंपनियों की क़यादत करते हैं और बग़ैर किसी जानी नुकसान के पॉइंट पर दोबारा कब्जा करते हैं। फौज और अवाम में तारीफ हासिल करते हैं। जंग के दौरान विक्रम को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी जाती है। 5,140 को पॉइंट 4,875 पर कब्जा करने का काम सौंपा है जो कौमी शहरा एक को देखता है और अलामती तौर पर जंग का JAK RIF इन की शानदार फतह के बाद आर्मी कमांडर ने 13 खात्मा कर दिया गया। वो अगले दिन पॉइंट 4,875 पर हमला शुरू करते हैं लेकिन कच्चे इलाके और दुश्मन के मुतअद्दिद बिनगरों की वजह से भारी जानी नुकसान उठाते हैं। आखिरकार वो इन 4 बिनगरों को तबाह कर देते हैं जिनसे वो वाकिफ़ हैं। पांचवें छुपे हुए बिनगर से बेखबर वो भारी आग लगाते हैं। विक्रम ने राइफल इस्तेमाल करने का काम सौंपा ताहम एक स्नाइपर इसे गोली चलाने से पहले ही मारता है। विक्रम इसे बचाने के लिए खुले RPJ-7 में यशपाल को बनकर पर पाकिस्तानी दोनों गोलों से मुतद्दिद दरबार निशाना बनाया जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो सूबेदार AK-47 मैदान में दौड़ता है और ऐसा कामयाबी से गिरता है लेकिन इसे स्नाइपर और रघुनाथ सिंह को आखिरी बनकर पर कमांड और चार्ज संभालते हुए देखता है। हिंदुस्तानी फौज को कौमी परचम बुलंद करते देख कर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पॉइंट 4,875 पर इनके अमाल के लिए इन्हें बाद अज़मर्ग पर वीर चक्र से नवाजा गया है। इख्तिताम पालमपुर का नगरा में इसके जनाजे और एक परेशान डंपल को दिखाता है
असली विक्रम को भी क्रेडिट्स में दिखाया गया है। इस मूवी की जो कास्ट है उसकी अगर हम कास्ट में बात करें कि इसमें कौन क्या किरदार अदा करते हैं आपको नजर आएगा, तो दोस्तों इस मूवी में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा डबल रोल में, लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम भत्रा उर्फ विक्की इनके शेरशाह के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा कृष्ण टुडीचा छोटे विक्रम भत्रा विक्की विशाल भत्रा विशेष के जुड़वा बड़े भाइयों के तौर पर विशाल भत्रा और वशी के रोल में नजर आएंगे। कावे टोटीजा छोटे विशाल भत्रा वशी विक्रम भत्रा विक्की जोड़वा भाई के तौर पर कियारा आडवाणी बतौर डंपल जीमा विक्की की गर्लफ्रेंड और मंगेतर के रोल में। शू पिंटत बतौर लेफ्टिनेंट संजीव जमी जमवाल सिंगरम विक्की के साथी और बाद में दोस्त। नगतीन धीर बतौर मेजर अजय जैसी सिंह जसर विक्की के साथ अनिल चंजीत बतौर नैप्स सूबेदार वंशी लाल शर्मा विक्की के करीबी दोस्त। जेक आरिफ के सीओ जोशी के वाई के टल्टीन शताफ फिगार बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल युगेश कुमार सीओ उभरिय सिंह बतौर मेजर सबरत सबू मगर्ची विक्की के साथ और डेल्टा कंपनी के साहिल वेद बतौर इमियत सिनी सूद विक्की की बेहतरीन दोस्त। मनमियत कौर मोना सिंह के तौर पर डंपल की बेहतरीन दोस्त। राज अर्जन बतौर सूबेदार अर्गुनाथ सिंह डेल्टा कंपनी में पेलाडून कमांडर परनाय सिंह चिचोरी बतौर राइफल मैन मोहर सिंह पून चोपड़ा बतौर गर्दारी लाल जी एल भत्रा विक्की और विशाल के वालिद मीर सरवर बतौर हैदर एक पाकिस्तानी दहशतगर्द अजवाल गोरहा बतौर पाकिस्तानी सिपाही विजय जे आंत बतौर मिस्टर चीमा डंपल के वालिद एडजस्टमेंट जेक रिफ हमारा निश्वा अपने मल्होत्रा कप्तान निजू कपूर राकेश दो बे बतौर मेजर विजय भास्कर अनकोर शर्मा बतौर मेजर वकास दोहरा जे कार्तिक बतौर लेफ्टिनेंट नवीन और विजय मेनू कमल का कांता भत्रा विक्की और विशाल की मां के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशुवर्धन और इसको राइट जिसने किया है उनका नाम है संदीप और प्रोड्यूस्ड बाय हीरो याश जौहर इसके साथ करण जौहर उसके साथ अपूर्वा मीठा और इसके साथ शबीर बॉक्सवाला अजय शाह इसके साथ हिमांशु गांधी स्टेरिंग जो है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की है और इसके साथ कायरा आडवाणी है सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है कमालजीत नेगी एडिट बाय श्रीकर प्रसाद म्यूजिक बाय जोहन और इसके साथ सॉन्ग जो है ना दिनेश बागची की हैं और इसके साथ पी प्रैग के हैं इसके साथ जैसलीन रोहल की तरफ से हैं इसके साथ जवेद मोहसिन की हैं विक्रम मंटोरोसी हैं प्रोडक्शन कंपनी ड्रामा प्रोडक्शंस और काश इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय अमेजोन प्राइम वीडियो इसके साथ रिलीज डेट 12 अगस्त 2021 रनिंग टाइम 135 मिनट का है इसके साथ कंट्री इसकी इंडिया है और जिस जबान में इस मूवी को शूट किया गया वो जबान है जी इंडिया।